वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और भाई आज अपन आए हैं जिमनी देखने, मारुति सुजुकी जिमनी। और भाई ये अपनी ब्लैक कलर में जेटा वेरिएंट है और इसकी साइड प्रोफाइल आप देख रहे हो कुछ इस तरह की इसकी साइड प्रोफाइल लगती है। भाई ब्लैक कलर में गाड़ी काफ़ी मस्त लग रही है। अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ गाड़ी की तो कुछ इस तरह की फ्रंट लुक मिलती है आपको। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हेलोजन बल्ब मिलते हैं, भाई इससे जो टॉप वेरियंट आता है उसमें प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, वो सर आपको इसमें नहीं मिलता। यहाँ पर आपको इसके फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, न्यू ग्रिल आपको यहाँ पे मिलती है, सुजुकी का लोगो। और लुक फ्रंट लुक कुछ ऐसी लगती है। अगर मैं साइड प्रोफाइल टायर साइज की बात करूँ तो भाई यहाँ पे टायर साइज कहाँ पे लिखे हो, आइए 195 ATR 15 इंच के आपको टायर साइज मिल जाते हैं। अलॉय व्हील नहीं मिलते, टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। टर्न सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हैं, ORVM पे नहीं मिलते। इसकी रियर प्रोफाइल में आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह की इसकी रियर प्रोफाइल मिलती है। और भाई ये देखो जी वैगन टाइप लगता है, ये डिफॉगर रियर वाइपर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह की लगती है। रियर सीट्स की बात करूँ मैं भाई, तो भाई ये है कुछ इस तरह की आपको इसकी रियर सीट्स मिलती है। और कंफर्ट वगैरह तो काफ़ी सही है। बाकी इस साइड आपको हैंडल मिल जाता है और ये कुछ पकड़ने का यहाँ पे, और ये भाई इसका विंडो होगा, तो काफ़ी मतलब यूनिक सा दे रखा है। बाकी स्पेस वगैरह काफ़ी सही है। AC वेंट्स पीछे मिलते नहीं है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर लाइट्स मिल जाती है, उस साइड हैंडल मिलता है। और अब चलते हैं इसकी फ्रंट सीट्स पे। और भाई यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, इसके टॉप मॉडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे इसका हैंडल है, ये वो डोर पकड़ने का। और एक पर भाई मैं कीज निकाल के इसकी आपको जो इंटीरियर है वो ऑन करके दिखा देता हूँ। तो भाई कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इसकी MID मिल जाती है और भाई काफ़ी मस्त लगती है। बीच में आपको यहाँ पे डोर्स वगैरह खुलने का और ये पेट्रोल वगैरह वो मिल जाता है। ऊपर आपको ब्लैक कलर का डैशबोर्ड मिल जाता है, काफ़ी मतलब बड़ी तो नहीं, छोटी टच स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है मारुति की। और सुजुकी का लोगो ऑन करती है। और नीचे भाई AC वेंट्स, ये हजार लाइट का, और ये इसके AC वेंट्स के सारे फीचर्स। और यहाँ पे भाई आपको हिलैंड डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल विंडो का आपको यहीं से मिलेगा ये फीचर, और अट्रैक्शन कंट्रोल्स मिल जाता है। इस साइड आपको यहाँ पे हैंडल मिल जाता है, ग्लव बॉक्स इसमें मिलता है काफ़ी छोटा। बाकी ऊपर की तरफ भाई इसमें यहाँ पे मिरर मिल जाता है और ये लाइट्स वगैरह, और इस साइड भी आपको एक मिरर मिल जाता है दोनों साइड। बाकी यहाँ पे आपको गियर्स की बात करूँ तो 4x4 भी गियर मिलता है, नॉर्मल भी मिलता है, इसमें 5 गियर आते हैं। यहाँ पर इसके पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं पीछे के, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो दो का फोल्डर। तो और लुक गाड़ी का कुछ ऐसा मिलता है। कीज़ की बात करूँ तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे कीज़ मिल जाती है, वही पुरानी वाली मारुति सुजुकी जो और गाड़ियों की आती है लॉक अनलॉक की। बाकी अगर गाड़ी का और लुक कुछ ऐसा मिलता है तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।